है तारड़ साहब के तालिबान भी आज शर्मिंदा हैं। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बारिक हैं, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं, शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूं तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से भाई वो सियालकोट में वो फैक्ट्री मैनेजर साहब 2014 से वहां पर काम कर रहे थे, और उन्होंने आके, उनको पता नहीं था कि ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, वो एक उन्होंने वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मूल के साजिद तरार बता रहे हैं कि जो कल इंसिडेंट हुआ उससे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान को और इससे क्या इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुके हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका का एक नागरिक जो कि मैनेजर था पाकिस्तान की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, 2012 से वहाँ जॉब कर रहा था, उसको मतलब उसने दीवार साफ कराने के लिए कुछ पोस्टर हटाए, उस पोस्टर हटाने पर उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया, उस पर आरोप लगे कि इसने ये किया वो किया, इस्लाम की बेइज्जती की, इस तरीके के कुछ आरोप लगे। आप समझ सकते हो कि जो बंदा अरबिक या उर्दू पढ़ ही नहीं सकता उसको किस तरीके से उन्होंने पेल दिया, तो डेफिनेटली ये बहुत भयानक हादसा था। उसके बाद मारने के बाद उस जलते हुए मतलब लाश के साथ लोग सेल्फी ले रहे थे, तो आप समझ सकते हो दोस्तों किस तरीके का माइंडसेट है। और इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे कि साजिद तरार और कमर चीमा दोनों बोल रहे हैं कि भैया इन्हें तो तालिबान को भी पीछे कर दिया, इस तरीके की हरकत तालिबान भी नहीं करते, हालांकि वो भी इस तरीके की हरकत ही करते हैं, कहीं जेसीबी से लटका देंगे फिर उस लाश पर गोली मारेंगे। तो दोनों मतलब एक ही सेम पेज पर है, और दोनों का आपको भी पता है कि सिलेबस एक ही है, तो एक ही तरह की बातें करेंगे, एक ही तरह का जो उन्होंने चीज़ें सीखी हैं तो वही अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने वजीराबाद है, ये वही जगह है जहां पे हमारी एक खास तंजीम बड़ा अरसा वहां धरना दे के बैठी रही, जहां से जहां पे जाके पूरे मुल्क ने घुटने टेके उनके सामने, उन्होंने कहा है कि हम तालिबस्तान हैं, आइंदा हमारा कोई अब हम आपसे अब हम आपके साथ सीट नेगोशिएट करेंगे। दुनिया की मोस्ट पाकिस्तान की मोस्ट लिबरल पार्टी जो के अपने धरनों पे म्यूजिक बजाते थे, लड़कियां नाचती थी, उन्होंने कहा था कि हम आइंदा एक मजहबी तंजीम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं सबसे बड़ी एक काबले अफसोस बात कहूंगा कि उसका जो मुआयदा है उसको अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। और आज आज मैं आपने पहले बात की कि कहां जा रहे हैं, आपकी जो इस वक्त टूटी फूटी हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ये सोसाइटी का इशू है। उन्होंने एक बंदे आपके हुकूमती नुमाइंदे के मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने कहा है ये पहला वाकया नहीं है, एक महीने में तीन वाकयात हो चुके हैं, उसने चार सदा और एक और वाकये की भी बात की है, वो कहते हैं ये सोसाइटी का इशू है, इतना ये हमारा इशू नहीं है। उन्होंने अपने अपने कपड़े झाड़ लिए, उन्होंने कहा इट्स नॉट आवर इशू। और बंदे खुदा रेट ऑफ गवर्नमेंट किधर है, रेजिग्नेशन किसी ने दिया है, पुलिस वहां खड़ी मौजूद थी, वहां मैंने खुद पिक्चर्स में देखा है, वहां किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया वहां से। और मैं गारंटी कर देता हूं इन्होंने इन्होंने 100 बंदे या 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं गारंटी कर देता हूं उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ इसका होगा क्या, IMF के आपने 26.5 शर्तें 27 में से पूरी कर रखी हैं, वहां वहां नहीं निकला, आप वहां पे करेंगे, उसके बाद कहां पे करेंगे, इसको इंडियन लॉबी और ज्यूश लॉबी आपको मुसलसल हार्ट करेगी अगले आने वाले दिनों में। आपके हालात माशी ये हो चुके हैं चीमा साहब, आपका डॉलर 191 में का भी ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा इस वक्त, आपका 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताने चलूं, आज नुमाइंदे आपकी गवर्नमेंट के किधर हैं जो कहते थे इंडिया के साथ पेट्रोल को कंपेयर करते थे, इंडिया में इंडिया के अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में $15 पेट्रोल सस्ता हो गया, आपका सस्ता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। मसला यह है आज 22 करोड़ लोग जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं चाहता हूं 40 अरब रुपया जो वजीर आजम के फंड से खाया है वो आप तो छुपा रहे थे, IMF ने आपके आपसे उसको निकाला है, उसका जवाब दें, कोई स्टेटमेंट है किसी की, किसी ने कुछ शो किया उसके ऊपर, तोशाखाना के अभी तक उसके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन आपके 40 अरब रुपया मैं कहता हूं रियासत मदीना और आज हजरत उमर की मिसालें कहां है, मेरी समझ से बाहर, आई वॉन्ट टू लिसन। आज इतना बड़ा कंफ्यूजन है, ना सिर्फ महंगाई, आपने सस्पेंस कर करके लोगों को मार दिया, मेरे लोग इतना घुटन इस वक्त पाकिस्तान में महसूस हो रही, जिसका हाथ को नहीं, फैटअप के शोर डालते थे, अब फैटअप किधर गया,
आप कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका इसको रा और सीआईए की कार्रवाई लगा दो, मैं कहता हूं जान छुड़ाओ अगर यही करना है। मैं समझता हूं, मैं हमेशा चीखता था कि भारत के अंदर लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, आप तो उनके भी नंबर काट गए। मेरा ये इंसानियत इस तरीके से मेरा मकसद है, मैं जानवर भी नहीं इस तरह, मैं नौज बिल्ला इस तरह करते हो। देखे मैं ये समझता हूं कि पूछना चाहिए था भाई किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। सियालकोट के अंदर पहले इन्होंने दो भाइयों को वो मारा था इसी तरीके से। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जिनको जो भी जिम्मेदारान है, उनको अपने अपने वो अपने अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे, उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपना अपनी पोजीशन ले ली है, बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे, हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज साफ किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है, हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशत गर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। मैं बता रहा हूं, अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ठीक ना किया, एक फॉरनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, 2 बच्चों का मासूम बच्चों का बाप था वो, उनकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे, इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सख्त ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया, आप सोच नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पे करेंगे आप। आपको अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान इसको बहुत लाइटली ले रहा है, बिल्कुल बहुत लाइटली ले रहा है, लेकिन मैंने वो इमेजेस देखे हैं कि अब इस वक्त इंसानियत, मैं हैरान हूं। चिमा सर, एक मिनट के लिए जरा उस पॉइंट पे जाएं कि जलती लाश पीछे पड़ी है और लोग सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ, स्टेट ऑफ माइंड देखें, स्टेट ऑफ माइंड। और मैं सबसे पहले आपको मैं बताई थी, मैंने एज ए लॉयर मैंने जिंदगी में पढ़ा था, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट। फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट ये होती है कि अगर सोसाइटी में इस तरह का जुर्म किया जाए तो उसकी सजा इबरतनाक दी जाती है ताकि दूसरी सोसाइटी उसको कमिट ना करे। लेकिन यही है कि आपकी जुडिशरी भी फेल है। आपके अली अहमद कुरत साहब के जो वाकया जो उन्होंने कहा है, मैं एक एक लफ्ज उनसे एग्री करूंगा, एक एक लफ्ज उनके साथ एग्री उनके साथ करूंगा कि जिस तरीके से चौधरी साहब ने ईडन सोसाइटी वालों से रिश्तेदारी कर ली थी जब उनके सामने पेश हुए थे, और जिस तरीके से दूसरे जजों के इस वक्त वीडियो सामने आ रही हैं, ये क्या हालात है, कहां जा रहा है मुल्क। मेरी समझ से बाहर है कि लीड इस वक्त कौन कर रहा है, हमें रिलीफ कौन देगा, बचाएगा कौन। मैं बिल्कुल अफसोसनाक, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में वो कहते हैं कि मेरे पास अल्फाज अमाउंट ऑफ वर्ड्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने जो पंच लाइन दी है तारिक साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है, हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बारिक है, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं, शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूँ तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ आप थे, तो मेरा बस इंसानियत शर्मिंदा, आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मैं मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं कहता हूँ चीमा साहब वो बंदा कसूरवार था, उसको अगर उसने गलती की थी सजा मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन कोर्ट देती उसको, कोई काजी देता यार, अब जज सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ले जाते, कोई अपने बल से छुरा बिठा लेते, कोई मौलवी बिठा लेते, कोई काजी बिठा लेते, लेकिन उसका हक था, उसको गवाहियां होती, उसको उसको ड्यू प्रोसेस किया जाता, उसे पूछा जाता कि यार तुम उर्दू अरबी जानते हो, तुम्हें पता था कि जो तुम कर रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तुम्हें वहां पे शहादतें होती, गवाहान होते, वहां पे सारा कुछ आता, मंजर सारा मंजर सामने आता। ये इस तरह अगर हर बंदे ने जाके लोगों, इस तरह आपने खुद मारना है किसी को पकड़ के आग लगा दो, कौजी इसने ये किया था।
और आप मुझे ये देखे चीमा साहब, मुझे अफसोस इस बात का, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया इस पे? नहीं, कोई टूटी फूटी स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर से, मैं समझ लू इज नॉट सफिशियंट एट ऑल। और कंट्री कम, मैं कहता हूं कंट्री, आप इस वक्त, मैं अगर मुझसे पूछा जाए एज अ बींग पाकिस्तानी अमेरिकन, एज अ पाकिस्तानी, इस वक्त आपके